भाव उद्धव ठाकरे सरकार भी वैसा ही कर रही है, 100 जूते भी खाने हैं और 100 प्याज भी। बिल्कुल बिल्कुल सारे काम हुए और उसके बाद वो दोनों फाइलें सीबीआई के हवाले करनी पड़ी, रश्मि शुक्ला वाली भी, और सचिन वाजे को कैसे एंट्री मिली है वापस पुलिस में वो भी। नहीं, सब देना ही पड़ता ना। ना कैसे करते, कैसे ना करते। कोर्ट का मामला था, कोर्ट बोलती इनको, ये अगर कोर्ट का नहीं मान रहे इसका मतलब ये संविधान का, संविधान को मार रहे, तो हटा दो इनको, इनकी गवर्नमेंट चली जाती। कोर्ट को कैसे नहीं मानती, कोर्ट को तो मानना पड़ेगा आपको। तो ये ट्राई कर रहे थे भाई, देखते हैं कितना निकल जाता है, निकल जाता है। कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। तो 31 अगस्त को उनको सब मामला उनके हाथ देना पड़ा। अब वो चीजें सामने नहीं आएंगी। अगर ये पहले ही मान लेते कि सचिन वाजे को मेरे कहने पर पुलिस में लिया गया है, या रश्मि शुक्ला ने जो रिपोर्ट बना करके दी थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते हुए, ये चीजें अब भी तो खुलेंगी, अब भी तो सामने आएंगी, अब भी तो ऑन रिकॉर्ड आएगी जब आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। बिल्कुल आएगी, लेकिन ये भी नहीं होता। अगर अप्रैल 2020 में मैंने जो एक वीडियो बना के इनको सलाह दी थी कि भाई अर्णब को इग्नोर करो, तो ना तो सचिन वाजे अर्णब के घर जाते, ना उस पर टीआरके का मामला खुलता, ना ये सब मामला यहां तक पहुंच जाता। आपने सचिन वाजे के लिए अपनी पूरी इज्जत दांव पर लगा दी। अब वही सचिन वाजे उल्टा घूमकर आपकी इज्जत के, क्या बोलते होते, टुकड़े कर रहा है। और भाव आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल संवैधानिक संकट टल जाएगा? ममता अब बनर्जी बिल्कुल के टल जाएगा। लिए, ममता अरे बनर्जी वही के लिए तो रास्ता खोल दिया है। रास्ता, नहीं, ये तो महाराष्ट्र के भी लिए किया था पिछले पिछले अप्रैल में 2020 के। इसी ढंग से उद्धव ठाकरे की मूर्ति वो खत्म, टाइम लिमिट खत्म होने आ रहा था, और उधर तो पहला लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त। मोदी जी ने ही चुनाव आयोग से बात की थी, और भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है। तो चुनाव आयोग ने वो चुनाव ले लिया और विधान परिषद में वो चुनकर आए थे। तो भाई हाँ, ये कितना भी चिल्लाए लेकिन खुद को ही झूठ साबित कर देते। अगर उस वक्त मोदी जी चुपचाप बैठ जाते तो चुनाव होने वाला नहीं था, और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है उसके चीफ मिनिस्टर को रिजिग्नेशन देना पड़ता। वही बात हम बंगाल में भी देख सकते हैं, जिस चुनाव आयोग पर बार बार ममता बनर्जी झूठे आरोप करती रही, आज भी वो बोल सकता है नहीं भैया कोरोना चालू है, नहीं उपचुनाव ले सकते। तो क्या कर सकती थी ममता? अगर उनको अड़ाना और रोकना ही है, सताना ही है, तो चुनाव आयोग चुनाव नहीं लेता। क्या कर सकती थी ममता? लेकिन सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी हो, चुनाव आयोग हो, कोर्ट हो, ये सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस के जमाने में ये पिंजरे के तोते ही थे, चुनाव आयोग हो या सीबीआई हो, लेकिन मोदी ने उनको फ्री कर दिया है, पिंजरे से बाहर निकाल दिया। भाई अपने अपने काम करो, और वो कर रहे हैं। और अगर उल्टा सोच करें इसको, मान लिया नरेंद्र मोदी को वैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा होता जैसा उद्धव ठाकरे को करना पड़ रहा था, और हालांकि कल्पना से परे है, उद्धव ठाकरे प्राइम मिनिस्टर होते या ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर होती है, और वहां मोदी जी के सामने इस तरह का संकट होता, ये लोग करते ऐसा फेवर, इस तरह का फेवर करते ही? फेवर की बात छोड़ो, ये संकट बड़ा कर देते। आपको याद होगा कि गुजरात में जब ये अपने देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने तो गुजरात की विधानसभा बर्खास्त कर दी थी ना, जब क्राइसिस पैदा हो गया बर्खास्त कर दी थी। कहाँ देखा, फिर चुनाव हुए और फिर बीजेपी चुनकर आई, केशु भाई चीफ मिनिस्टर बने थे। शंकर सिंह वाघेला ने जब ये किया था, झंडा उठाया था और अलग हो गए थे, तो
तो उसका फायदा उठाकर कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बनाई, फिर कांग्रेस में गए, सब मामला चल रहा था। तो कांग्रेस के सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर बने देवेगौड़ा ने गुजरात विधानसभा बर्खास्त की थी, ना तो बीजेपी को चांस दिया फिर से सरकार बनाते हुए देखो, नहीं किया था। और बहुत सारे मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, बहुत सारे निर्णय उनके, वहां की राज्यपाल महिला थी, उन्होंने रोक रखे थे। जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तब उन्होंने इनको उठाकर, मेरा ख्याल है अरुणाचल या नागालैंड भेज दिया था, तो वो जाने के बजाय रिटायर हो गई, इस्तीफा देकर निकल गई। लेकिन जब तक थी कांग्रेस की थी और उन्होंने मोदी जी को बहुत सताया था। लेकिन मोदी जी के कोई भी गवर्नर ऐसा कुछ बर्ताव नहीं करते, ये भी उतनी ही सच बात है।